नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में आज स्वर्गीय रामविलास पासवान के दूसरी पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जहां बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हैं। और यहां विजुअल में देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और नंद किशोर यादव भी पहुंचे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय, और उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो फोटो है उस पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया। और वही उनसे जब बात किया तो क्या कुछ कहना है, पहले सुनिए उनकी बातों को। और जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए के साथ पूरी ईमानदारी से भारतीय राजनीति में और देश की सेवा की है, या एक बड़ी बात है। आज इस अवसर पर हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस महादलित या दलित के ही नेता नहीं, पूरे भारतीय राजनीति में एक अग्रणी राजनीतिज्ञ के भूमिका में वो हमेशा दिखे, और पूरे भारत की उन्होंने चिंता की, समाज के सभी वर्गों की चिंता की। मेरा तो उनसे काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, किशोरावस्था से कटिहार से लेकर पटना और दिल्ली तक उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस। सर, पुलिस की नजर में कार्तिक सिंह की तस्वीर वायरल हो रही है और वो गिरफ्त में नहीं आ रहे। देखिए, वो तो मैच फिक्सिंग है। बिहार की सरकार अगर चाह लेगी कि कोई विधान पार्षद की गिरफ्तारी हो तो यह बड़ी बात नहीं है, ये मैच फिक्सिंग है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। मैंने तो अभी कहा है कि, और यही अभी महागठबंधन का सुशासन है, महागठबंधन का सुशासन और एनडीए के सुशासन का जो मौलिक अंतर है वो आप समझ रहे हैं। क्या सुशासन कहना सही बात होगा? अब देखिए, उनके बारे में क्या कहना, वो तो किन बातों में और किस प्रकार से अपनी बातों से मुकरेंगे और किन नीतियों को कहाँ रखेंगे, किन नीतियों को लेकर कहाँ से चल पड़ेंगे अपने राजनीतिक हित के लिए, ये कहना मुश्किल है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अनंत सिंह वहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सशक्त उम्मीदवार उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ राजनीतिक दृष्टि से और चुनाव की जीत की दृष्टि से लाभ होगा। टक्कर नहीं दे सकता है कोई प्रत्याशी? अरे देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन किसको टक्कर देगा नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर भारत के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर उम्मीदवार होगा, उसकी क्या ताकत होगी, उसकी क्या हैसियत होगी, ये पूरे देश को पता है। मजबूत सिपाही रामविलास जी थे, और जब भी दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की कोई भी बात होती थी तो नरेंद्र मोदी जी और रामविलास जी कंधे से कंधा मिला करके देश के गरीबों के कल्याण का उन्होंने काम किया है। जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं उन सब के में रामविलास जी का मजबूत सहयोग उसमें हमेशा उनका रहा है, और आज उनका और जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पर पूरा देश नमन करता है। जयप्रकाश नारायण जी के साथ रामविलास जी की भी राजनीति के शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा योगदान जयप्रकाश नारायण जी का रहा और बिहार में भी रहा है। हाँ, यह जरूर है कि पहली बार बिहार सरकार आज जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि मना रही है, जबकि जयंती हमेशा मनते रहा है, लेकिन सीताप जरा में जयंती में गृह मंत्री जी के आने से बहुत सारे लोग डर के मारे जा नहीं रहे कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव में अगले का व्यक्तित्व समाप्त नहीं दिखेगा। साफ तौर पर सुना कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान अच्छे नेता थे और उन्हें याद किया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।